नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ई अधिकम योजना को कामयाब बनाने के लिए टीचर और छात्रों का प्रशिक्षित होना जरूरी है। सरकार और विभाग का उद्देश्य केवल टैबलेट वितरण नहीं बल्कि इसका सही मकसद बच्चों को ई अधिकम के जरिए एडवांस लर्निंग उपलब्ध कराना है। उक्त शब्द जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग ने नारनौंद मॉडल स्कूल में चल रही एक दिवसीय ट्रेनिंग के निरीक्षण के दौरान प्राध्यापकों और प्राचार्य को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान डीईओ ने शिक्षकों से ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक लिया। इस अवसर पर डीईओ, बीईओ और बीआरपी का विद्यालय में पहुंचने पर बच्चों एवं अध्यापकों ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग ने कहा कि मात्र श्याम डाइट की तरफ से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक नारनौंद में एक दिवसीय ई अधिकम ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक के अनेक टीचर, लेक्चरर और प्रिंसिपल ने हिस्सा लिया और अनेक जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के अनेक प्रोजेक्ट में ई अधिकम का प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके लिए पूरे जिले के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग ब्लॉक के शिक्षकों को टैबलेट संचालन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि शैक्षणिक स्तर 2023-24 में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान विषय का होमवर्क टैबलेट पर ही दिया जाए। भविष्य में टैबलेट पर 22 विषयों को इंस्टॉल किया जाएगा। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आज हमारे जो स्कूलों के अध्यापक हैं, जो भी क्लासेस को पढ़ाते हैं और विशेष रूप से टैबलेट का जो प्रयोग बच्चों को खुद भी बच्चों को करना सिखाते हैं और खुद भी उसको सीखते हैं, उस संबंध में 8 मई से लेकर के 12 मई तक पूरे हिसार जिला में विभिन्न खंडों में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। और उसी कड़ी में आज नारनौंद ब्लॉक के पाली, राखी शाहपुर और आपका नारनौंद, तीन स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू है जिसमें लगभग 60 टीचर्स भाग ले रहे हैं। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो टीचर्स हैं, सबसे पहले तो टीचर सीख पाएंगे कि हमें विद्यालयों में जाकर के विद्यार्थियों को टैबलेट का ज्ञान किस प्रकार से देना है और फिर बच्चे भी अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। और इसी ट्रेनिंग में मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें तो ज़्यादा ही गंभीरता से टीचर को बताई है और उन्होंने उसको ग्रहण भी किया है कि एक तो हम ई अधिगम विद्यार्थी बनाना चाहते हैं सभी बच्चों को और सभी टीचर्स को ई अधिगम अध्यापक बनाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए टीचर की हम बात करेंगे तो कम से कम 1 घंटा अपना प्रत्येक वीक में जो है उसका यूजेज टाइम होना चाहिए और उसका 2 जो होमवर्क उसने बच्चों को देने होते हैं, तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों का भी है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से ट्रेंड होकर के टीचर जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हरियाणा सरकार का जो प्रोग्राम है टैबलेट वितरण का, लगभग सरकार ने 7 लाख विद्यार्थी और अध्यापकों को टैबलेट का वितरण किया है। मैं समझता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद हमारे अध्यापक और विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से टैबलेट जो है उसका प्रयोग कर पाएंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है वो सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि उससे अन्य राज्यों को, अन्य व्यक्तियों को और हमारे सामाजिक सिस्टम को भी बल मिलेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।